हेलो दोस्तों, मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, हम पिछले लेक्चर में जो हमने क्या पढ़ा था, वर्णों के उच्चारण स्थान की, कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। आशा करता हूं आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अगर उसका रिविजन करा होगा, लिख कर देखा होगा, तो आप उसे जल्दी से नहीं भूल पाओगे। तो आज का हमारा अगला लेक्चर क्या होगा, सघोष व अघोष। सघोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं और अघोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं घोष। घोष का अर्थ क्या होता है, घोष का अर्थ होता है हमारा कंपन। इसी से मिलकर बना क्या हमारे सघोष व अघोष, सघोष व अघोष। सघोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, से प्लस घोष अर्थात घोष सहित, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, सघोष। यानी क्या होता है, क्या कंपन सहित। और अघोष क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अघोष। हम किसी भी शब्द के आगे ए लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, विलोम उसका। जैसे कि हमने लिखा पठित, पठित का क्या अर्थ होता है, पढ़ा हुआ। और अगर हम इसके आगे ए लगा दें, ए पठित क्या होता, जो हमारा पढ़ा हुआ ना हो, अर्थात विलोम हो जाता है। इसी तरीके से अघोष क्या हो जाएगा, बिना कंपन के, बिना कंपन के। अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन ना होने के कहते हैं हम अघोष। तो हम पढ़ते हैं हमारे कौन कौन से व्यंजन, कौन से व्यंजन हमारे सघोष होते हैं और कौन से व्यंजन हमारे अघोष होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं व्यंजन। हम व्यंजन हमारे कितने कौन कौन से होते हैं, के, खे, गे, घे और अंग। ये कैसी आवाज देता है, एनजी की। और ये क्या होता, फिर क्या होता हमारा, चे, छे, जे, झे और इए, ये वाई एन की आवाज देता। इससे अगला हमारा वर्ग कौन सा था, टेवर। टेवर में कौन से व्यंजन होते हैं, टे, ठे, डे, ढे और अणे। फिर हमारा वर्ग कौन सा था, ते वर्ग। ते वर्ग में हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, ते, थे, दे, धे और ने। इससे बाद पे वर्ग। पे वर्ग में हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, पे, थे, दे, भे और मैं। ये हमारे सारे के सारे व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसी वर्ग में, टे वर्ग में हमारे दो व्यंजन और होते हैं, क्या, डे और ढे। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, ये, रे, ले, वे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, से, से, से और है। अब हम पढ़ते हैं इन व्यंजनों में हमारे कौन सा व्यंजन सघोष होता है और कौन सा व्यंजन अघोष होता है। अब हम इनको एक ट्रिक की सहायता से पढ़ते हैं, उस ट्रिक की सहायता से हम कभी नहीं भूलेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं बर्तन के छपड़े का। मान लो कोई बर्तन का छपड़ा है, अगर हम उसमें जो सबसे ऊपर का बर्तन उठाएंगे तो कम ध्वनि होगी बहुत, उससे नीचे का बर्तन उठाएंगे तो ज़्यादा ध्वनि होगी। आप चाहे आजमा कर भी देख लेना, सबसे ऊपर के बर्तन उठाने में कम आवाज़ होती है, उससे नीचे के में ज़्यादा आवाज़ होती है। और जिस तरीके से हम उस नीचे की तरफ बर्तनों को निकालेंगे वो ज़्यादा ही आवाज़ करेंगे। अगर हम बर्तन के छपड़े में सबसे नीचे से बर्तन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ होगी, यानी सबसे ज़्यादा कंपन होगा। उसी ट्रिक की सहायता से हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो ये हमारे सघोष और अघोष किस प्रकार से होते हैं। सघोष किस प्रकार से होंगे, आवाज़ ज़्यादा होगी तो सघोष होंगे, यानी कि कंपन ज़्यादा होगा तो सघोष होंगे, और जो कंपन नहीं होगा तो अघोष होंगे। अब हम देखते हैं बर्तन के छबड़े की सहायता से स्पर्श व्यंजनों को। ये जो हमारे जो के और खे जो हैं, इनका आप उच्चारण करो, देखो के खे, यहाँ आप उंगली लगा कर भी देख सकते हो आप, के खे, तो कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही। तो ये क्या होते हैं हमारे प्रथम दो वर्ण क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं, के और खे अघोष।
और हम जो इनसे नीचे का बर्तन निकालेंगे, मान लो गए क्या गए नीचे का बर्तन, तो इसमें क्या ज़्यादा आवाज़ होगी, ज़्यादा कंपन होगा, तो ये क्या होगा घोष होगा। आप चाहें तो इसका उच्चारण करके देख सकते हैं, गे गे कैसे क्या बनता गिर गिर, तो देखो कंपन हो रहा नहीं यहाँ, तो ये क्या होता गे और घे और डे क्या होते हैं हमारे, ये सघोष व्यंजन होते हैं, ये तीनों सघोष होते हैं हमारे। आप इनको उच्चारण करो, अब देखो गे घे कोई कोई कंपन नहीं हुआ, गे घे ए अंग इनमें देखो कंपन होता नहीं होता, ये देखो ये क्या गे घे और अंग कंपन हो रहा है यहाँ, तो ये क्या होते हैं हमारे सघोष। बर्तनों की छबड़ों की सहायता से देख सकते हैं, ये क्या हमारे ये ऊपर के बर्तन है मान लो जैसे, तो इन्हें उठाते हुए कम आवाज होती है, और ये क्या ये हमारे नीचे के बर्तन है, अगर हम इन्हें उठाएंगे तो कंपन ज्यादा होगा, तो क्या होगा ज्यादा आवाज होगी। जब स्वर तंत्र में कंपन होगा तो ये क्या होंगे हमारे सघोष। अब ये स्पर्श व्यंजन इसी तरह से होते हैं, चय वर्ग में देखो ये प्रथम दो व्यंजन क्या होते हैं हमारे, ये हमारे अघोष होते हैं, और अंतिम तीन क्या होते हैं ये सघोष होते हैं। इसी तरीके से टय वर्ग में, इसी तरीके से तय वर्ग में, इसी तरीके से पय वर्ग में, तो जो प्रथम पांच जो वर्ग होते हैं इनमें ये जो प्रथम दो व्यंजन होते हैं इनके क्या होते हैं अघोष, और अंतिम तीन व्यंजन क्या होते हैं ये होते हैं हमारे सघोष। ये हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन का, ये हमने बर्तन के छवड़े की सहायता से समझा। अगर हम नीचे का बर्तन निकालेंगे तो कंपन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा वो सभी क्या होंगे सघोष, और ये क्या होंगे अघोष। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के, मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, वे व्यंजन जो स्वर एवं व्यंजन के मध्य की आवाज़ देते हैं, इसलिए इनमें जो ये और वे को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वर को, स्वर क्या होते हैं हमारे, सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वर का उच्चारण कर देखते हैं हम। ये देखो यहाँ उंगली लगा कर देखो, यहाँ यहाँ बोलो उच्चारण करो, ए आ ई ई ऊ री ए ऐ ओ औ अं ए, तो यहाँ देखो कंपन हो रहा है सारे को उच्चारण करते समय, तो ये क्या होते हैं सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं घोष, घोष यानी कि सघोष। जब हमारे सारे स्वर सघोष होते हैं तो ये क्या होते हैं हमारे अर्धस्वर होते हैं अंतस्थ व्यंजन में, ये और वह, तो ये जो चारों के चारों क्या होंगे हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे चारों के चारों, ये होते हैं हमारे सघोष, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे सघोष। अब इससे बाद में आता है कि हमारा ऊष्म व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा जो अधिक रगड़ खाकर निकलती है, जब अधिक रगड़ खाकर निकलेगी तो इनकी आवाज़ जो खुद ही मोटी हो जाएगी, जैसे बोलो से तो आवाज़ मोटी हो रही नहीं हो रही, जब हमारी आवाज़ मोटी होगी तो सिंपल सी बात है उसमें कम कंपन होंगे, ये साइंस का भी आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिस भी ध्वनि की आवाज़ मोटी होगी उसकी जो आवृत्ति उतनी कम होगी यानी कंपन उतने कम होंगे, तो ये क्या से से और से क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं अघोष, ये तीनों से ऊष्म व्यंजन है, इसमें अपवाद है इसमें अघोष नहीं होता है, क्या होता है इसमें सघोष, वो भी मैं बताऊँगा आपको सघोष क्यों होता है, उसका कारण है का देखो आप उच्चारण करो, मैंने आपको उच्चारण स्थान करते हुए बताया था है कैसी आवाज़ देता ए जैसी है ए, तो ऐ जैसी आवाज़ दे रहा नहीं है दे रहा, और है क्या ऐ क्या होता है हमारा स्वर, स्वर क्या होते हैं हमारे सारे सघोष, तो है क्या होगा हमारा सघोष। अब आप अच्छे से समझ गए कि हमारे सारे स्वर क्या होते हैं सघोष होते हैं, और जो हमारे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम जो व्यंजन होते हैं हमारे होते हैं अघोष, और अंतिम तीन व्यंजन क्या होते हैं सघोष, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे सारे के सारे सघोष, और ऊष्म व्यंजन तीनों से है क्या होते हैं हमारे अघोष होते हैं, और है क्या होता है सघोष। आप इन्हें एक लाइन में पढ़ भी सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से सघोष लिखो, सघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं इसके लिए बात है, प्रत्येक वर्ग जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन ये क्या होते हैं हमारे सघोष हो गए, और ये रे ले वे, ये रे ले वे, और एक क्या होता है हमारा ये है, ये तो हमारे होते हैं सघोष सघोष, और अघोष क्या होते हैं हमारे, अघोष होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला वे दूसरा व्यंजन तथा तीनों से, ये क्या होते हैं हमारे अघोष से से और से। तब आप इसको अच्छे से समझ रहे हो क्यों होते हैं ये सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये देखो
ये सारे सघोष होते हैं, आप इसे समझ सकते हैं आराम से। आप चाहे तो इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं, इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है, और जो इनका क्या होता है प्रथम दो व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, वो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं सघोष अघोष, तो आप क्या बताओगे अंतस्थ व्यंजन होते हैं सघोष। अब हम आइए डिस्कस करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वर्ण अघोष है। मैंने आपको बताया था अघोष किन्हें कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, और ये भी बताया था अघोष कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और जी तीनों से हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अघोष। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा वर्ण अघोष है। रे, रे अगर रे क्या देखो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये रे ले रे, ये कैसे होते हैं सारे सघोष। तय देखते हैं तय क्या है, तय हमारे तय वर्ग का पहला व्यंजन है। तय वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तय थे दय दहन है, तो इसमें तय और थे क्या होते हैं हमारे अघोष, और बाकी तीनों व्यंजन क्या होते हैं हमारे सघोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा तय। बे क्या है, बे बे हमारा क्या, बे भी हमारा सघोष है। पै फे बे भे में, तो पै वर्ग का कौन सा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन। इसी तरीके से हम देखते हैं डे, डे क्या है, ये हमारा जो टे ठे डे ढेण है, टे वर्ग का तीसरा व्यंजन है डे। दोस्तों इसका पढ़ाते समय में दो व्यंजन रह गए थे हमारे, डे और ढे, इन्हें हम उत्सृप्त व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये भी क्या होते हैं हमारे, ये भी हमारे सघोष होते हैं। सघोष क्या होते हैं, क्योंकि ये भी जो इनका उच्चारण जो किसके बाद होता, डे और डे की तरह ही होता है इनका उच्चारण, ये बिंदी लग जाती है बस इनके नीचे, तो इनका क्या होता है, सघोष होते हैं। अब इसके लास्ट का क्वेश्चन क्या, कौन वर्ण घोष नहीं है। इसे देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ के उसका अर्थ समझा करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन वर्ण घोष नहीं है। हम क्या करते हैं जल्दी में, हमने पढ़ा कौन वर्ण घोष दे रखा है इसमें और लगा दिया कि कौन सा वर्ण घोष है, लेकिन इसमें क्या, कौन वर्ण घोष नहीं है अर्थात कौन सा वर्ण अघोष है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इसमें हम देखें कौन सा वर्ण अघोष है। इसमें देखेंगे ले के हमारा ले, ये रे ले वे, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे सघोष, वे भी हमारा क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, ये भी सघोष होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था तीनों से क्या होते हैं, तीनों से जो होते हैं हमारे वो अघोष होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा से। और है क्या होता है, भी हमारा उष्म व्यंजन होता है, लेकिन है जो ए की तरह आवाज देता, ये हमें किस में काउंट करते हैं, इसे हम सघोष में काउंट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।